प्रधानमंत्री आवास अब विवाद का कारण बनते जा रहे हैं। ताज़ा मामला रीवा का है, जहां प्रधानमंत्री आवास बनाने को लेकर एक भाई ने अपने दूसरे सगे भाई की हत्या कर दी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास बनवाने का विवाद इतना बढ़ा कि अपनों ने ही अपनों का खून बहा दिया। मामला गढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां सगे भाई ने भाई को मौत के घाट उतारकर उसकी पत्नी को भी घायल कर दिया। एक भाई जहां अपनी जान गंवा बैठा, वहीं दूसरा अब सलाखों के पीछे है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण करने को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद था। विवाद इतना बढ़ा कि मुन्नीलाल साकेत के ऊपर सगे भाई गोविंद साकेत और दशरथ साकेत ने हमला कर दिया। हालांकि शोर शराबा सुनकर उसकी पत्नी रामकली मौके पर पहुंची, जिसे भी घायल कर दिया गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की जानकारी लगते ही परिजन शव रखकर हंगामा कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। तुम्हार नाम का है? पति के? यह घटना कैसन भे तुम्हारे साथ? के बंद करे रहा? मारिन को को नाम बतावा ना, मारे वाले को वहीं दस से छोटे पहले हमका मारी नहीं पाते। यह घटना कैसा रहा? काहे नहीं सुन रहे? खुद हम की देर पूर्ण हुई पैसा दिए हैं फिर कहाँ ले गए बता देना। जला रात के जान जाते हैं।